सो लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद आसिफ इन माय ओपिनियन इन माय ओपिनियन मीडियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक स्विंग मैंने टीवी पे देखा है ना मैंने मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस बंदे की एक एक बॉल को मैं देखता था और मैं ऐसा बंदा हूँ ऐसा फ़ैन हूँ जो कि टेस्ट मैच भी देखता है ठीक है सो so, पूरा दिन टेस्ट मैच देख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आसिफ, आसिफ बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे पता है कि यार आसिफ की हर बॉल हर बॉल प्रॉब्लम बॉ है हर बॉल प्रॉब्लम है टिप्पा खा के वहीं से बाहर निकल रही है और वहीं से अंदर आ रही है वहीं बाहर अंदर बाहर कभी सीधी कभी अंदर बाहर और मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं डॉट बनाया हुआ उन्होंने या कोई <laughs> मैग्नेट लगा हुआ है yes. कि यार इस मैग्नेट पे ही पड़ेगी आगे पीछे मेरी बॉल नहीं होगी ना मैं य करूंगा ना मैं तुम्हें तो शॉर्ट बॉल करूंगा मैं तुम्हें तो वहीं करूंगा और वहीं से मैं तुम्हें तो तंग करूंगा और मैं देखकर हैरान होता था कि यार दिस इज़ आउज टैलेंट सो आप जरा बताएं कि आप आप किस तरह से आपने ऑब्जर्व किए मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग को

जिसके बारे में ए बी डी विलियर्स कहता है ही इज़ अनप्लेबल जिसके बारे में ग्रैम स्मिथ कहता है कि यार ये सबसे मुश्किल जिसके, जिसके बारे में यूस लक्ष्मण कुछ नहीं कहता कुछ नहीं कहता, <laughs> नहीं कहता। वो कहता है मैं हूं मैं सब मैं क्या करूं कि मैं खेलने ये जा रहा हूं हो ये रहा यहां खेल तो ये हो जाता है और इसलिए भी कहूंगा क्योंकि मैंने मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा आसिफ भाई के साथ खेलने का या साथ लेकिन अभी रिसेंटली टाइम पे जब उनका सब कुछ पीक खत्म हो चुका है और वो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ चुके हैं लेकिन स्टिल मैं भी अमेरिका में दो साल बैक टू बैक गया हूँ एक साल लास्ट टू ईयर्स को अगो मैंने उनके साथ खेला एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ अच्छा? एक तरफ से आसिफ भाई बॉलिंग और कर रहे एज हैं। में? इस एज में और आप लिटरली बिलीव करें कि अगर मैं 130 पे बॉलिंग कर रहा हूँ वो 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं ना तो मेरा बॉल कीपर यहाँ पकड़ रहा है और आसिफ भाई का स्टिल बॉल यहाँ पकड़ रहा है ओ, उठ रहा है उठ रहा है रीजन मैंने उनसे पूछा मैंने कहा आसिफ भाई आप तो इतने मजे मजे से आ रहे हैं आप जान भी नहीं मार रहे कह रहे हैं यार इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल इट्स ऑल अबाउट रेस्ट पोजिशन इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी कि मैं जब पता है कि मैं कौन सी रिस्ट कैसे मारूंगा तो मेरा बॉल किक कर कैसे जाएगा इतना कंट्रोल और मुझे पता है मेरी कौन सी फिंगर जो है वो इधर वाली है और कौन सी फिंगर इधर वाली है तो मतलब ये मैजिशियन ही हुआ ना जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में नए बॉल से बॉलिंग करने वाला मोहम्मद आसिफ बेहतर बॉलर कोई नहीं आया

तो वो एन सी आए शॉर्ट्स पहने हुए बाल गीले पूरे ये हो ना तो, तो शर्जील बैटिंग कर रहा था और हम लोग सब लड़के बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला यार मैं भी बॉलिंग करने आ रहा हूँ हम बॉलिंग किए जा रहे हैं शर्जील ठा 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 आपको पता शर्जील प्लेयर तो तो फारा है।, है तो कह रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात सुनो तुम लोग क्यों से मार खा रहे हो तुम मैंने कहा वो आसिफ भाई वो मार रहा है कह रहे तो बच्चे हो तुम लोग बॉलिंग गलत कर रहे हो उसको उसको तुम बाहर क्यों निकाल रहे हो या तुम उसको इतना बाहर से बॉलिंग कर रहे हो उसको डंडों में बॉलिंग करो तुम लोग इतना जोर लगा रहे हो कोशिश करो कि यूँ आउट हो जाए या यूँ आउट हो जाए कह रहे यहाँ खिलाओ यहाँ चैलेंज दो उसको कि सामने मारे वो खुद आए कह रहे अब देखना मैं इसको पहला बॉल आगे से करूँगा यूँ तो ये ऐसे बीट होगा और अगला बॉल में ये यूं खेलने जाएगा वाला उसका डंडा उड़ेगा दानियाल भाई उन्होंने पहला बॉल किया है हम खाम पीछे वाली जगह पे खड़े हुए पहला बॉल उन्होंने यू मारा है वो ऐसे बीट हुआ है बाहर निकाला बाहर निकाला अगला बॉल उन्होंने मारा है। वो हल्की सी बाहर उसने बैट का फेस अपना खोला है और लगा है बॉल अंदर और डंडा बाहर डंडा बाहर डंडा बाहर और ये बैन के बाद ये बार बैन बार है? के बाद है जो उनको बैन हटा उसके बाद वो आए प्राइम जा चुका था प्राइम जा चुका था उन्होंने प्रिपरेशन करनी थी अपनी डोमेस्टिक सीजन में खेलने की और वो आए डोमेस्टिक में उन्होंने आउट किए हैं तीस पैंतीस लेकिन उसके बाद उनका कुछ वो ऐसा मामला था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में कम नहीं कर सके या और सीज़न नहीं खेल सके तो उसके बाद वो चले गए अमेरिका तो वो अमेरिका में अब कोचिंग कर रहे हैं और मैंने उनकी एकेडमी भी देखी है यार बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो कोच और मैंने वाद ब... एक और चीज़ बताता हूँ मेजोरिटी कुछ जो जिनके पास टैलेंट अल्लाह ने दिया होता है ना वो अपना टैलेंट बताने में कतरा रहे होते हैं वो बंदा वाहिद है जो बंदाया बताने में कतराता ही नहीं मैंने उनसे पूछा मैंने आसिफ भाई मुझे ये बॉल बताएं ये जो कट होती थी क्या कह रहा है बेटा शुरू के करियर में तो मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैंने कर 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 मुझे आइडिया हो गया कि मैं ये उंगली मारता हूँ तो मेरा बॉल ये होता है और ये उंगली मारता हूँ अंगूठा यहाँ होता तो मैं ये हो जाता है उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था जो उनकी फिर एल्बो की सर्जरी हुई थी ओके यहाँ से ओके तो कह रहे हैं उसके बाद ना मेरी ये वाली जो पूरी जगह है ये मेरी ऐसे हो गई है अच्छा तो कुदरत का सिस्टम देखें कि किसी को एक्सीडेंट ने क्या चीज़ दे दी एक एक छोटा सा टैलेंट दे दिया जो कि अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हर कोई कोशिश भी कर ले तो नहीं हो सकता कि एक बंदे की ये पूरी चीज सीधी हो गई है तो वो जो आप देखते हैं उनके एक्शन में इतनी खूबसूरती क्यों है हाँ। और जो उनकी फोर्स लगती है यहाँ से हाँ। उसके पीछे वो कह रहे हैं रीजन में मेरा कि मुझे जो सर्जरी हुई थी इसके बाद मेरा हाथ यूँ हो गया तो मेरा जो भी फोर्स लगता है वो पूरा हाथ हम लो हैं, हम लोग करते का ये लगता है, उनका ये लगता लगता है, है, है उनका जिसकी वैसे उनकी बॉल में निप है और वो वो कट है। निप. Oh my God. तो बंदा एक exceptional cases, क्रिकेट का, और जबकि डेब्यू उनका भी इतना अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, में उन्होंने बहुत मार खाई थी मार खाई थी। उसके बाद जो बंदा इंग्लैंड के खिलाफ

तो आसिफ भाई ने वो सीम किए बॉल कि अगर बैट्समैन लाइन देख के कवर ड्राइव मारने मिड ऑफ पर मारने तो डंडा लग, अंदर से उड़ गया वो मतलब लक्ष्मण वाला गैप देखें तो वो बहुत बड़ा गैप है छोटा मोटा गैप नहीं है वो एज आ बॉलर आप कैसे देखते हैं उस गैप को यार मतलब शायद वो जो आप बात करें ना गड्ढे वाली वैसा लगता है गड्ढे पर लग के बॉल अंदर गया मतलब मैंने भी अपने करियर में सीम बॉलिंग की है ग्रास विक्टों पर ग्रास वाली विकटों पर हमने इतना स्विम सीम नहीं किया छोटा सीम हो जाता है और यूं कट जाता है, Amazing, तो है। वो में से क्रिकेट से में और फिर वो इंग्लैंड का जो ट्रिप होता है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि यार ये बंदा अनप्लेबल था एंड देन फिर बड़े बड़े बॉल अब बड़े बॉलर की निशानी यही होती है कि यार बड़ा बैट्समैन उससे घबराए सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ उन्होंने एक मैसेज और दिया था मुझे एज ए बॉलर कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि आजकल का जो बॉलर है ना वो पेस के पीछे ज़्यादा भागता है और वो कोशिश करता है कि मेरा बॉल विकेट कीपर यहाँ पकड़े यहाँ पकड़े विकेट कीपर ग्लव्स के अंदर आवाज़ आए वो कहते हैं मैं एज ए बॉलर कोशिश करता था कि मैं बैट्समैन के डंडों पे और पैड पे मारने में सारी जान लगा दूँ कह रहे ये करते रहो कि बैट कीपर यहाँ पकड़े यहाँ पकड़े कह रहे तो पूरे दिन हु हा हु हा हु हा एक आधा विकेट मिल जाएगी जब आप जोरी ढंडो में मारोगे और सबसे मुश्किल बॉल है अच्छा क्रिकेट में आपने लेंथ बॉल फेंकी और बैट्समैन को आप सवाल दे रहे हो कि जवाब दो आप यहाँ किए जा रहे हो छोड़े जा रहा है आप सवाल आप वो 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 लेफ्ट कर रहा है तो मार भी, भी देगा वो तो कब मौका मिलेगा दिल जाकर मार देगा लेकिन वो जो ना वो हर बॉल खेलनी है बॉल बॉल है नहीं सकते का कभी बैट्समैन को रोकते हुए ऐसा आउट नहीं हुआ ड्राइव मारते हुए आउट हुआ क्योंकि उनकी लेंथ आगे थी और आगे वाली आउट करते थे तो आई थिंक सबसे खतरनाक बोला मैंने अपनी जिंदगी में देखा वो मोहम्मद आसफ़